ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीएम पित्रोदा के उस बयान से पल्ला झाड़ लिया जिसमें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सीएम पित्रोदा ने अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति की 55% संपत्ति को सरकार द्वारा अधिग्रहित करने का समर्थन किया था। पवन खेड़ा का कहना है कि अब कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ का समर्थन विरोध कर ले उससे कांग्रेस पार्टी का सवाल कहाँ से उठता है, यह उनकी निजी राय हो सकती है, इसमें हम क्यों जवाब दें, हमारी ऐसी राय नहीं है, ना हमारे मैनिफेस्टो में यह है, ना हमारे यहाँ इसको लेकर कोई चर्चा हुई है, ना आगे कोई चर्चा है। गौरतलब की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से लगातार कांग्रेस पर इसके बारे में निशाना साधते रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेताओं का बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल होने के विषय पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस में शामिल होने को आतुर हैं, ICC में भी इसकी चर्चा चल रही है। वहीं मंगलसूत्र मामले में उनका कहना है कि मंगलसूत्र की कीमत बह के जाने, कोरोना में इस देश की महिलाओं को अगर गंवाना पड़ा तो कोविड में गंवाना पड़ा। 16 लाख करोड़ रुपये इन्होंने अपने दोस्तों के कर्ज माफ़ किया, उसमें कितने महिलाओं के मंगलसूत्र आ सकते थे। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के राजपूतों के मन में आक्रोश है, जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रियों का अपमान किया, इसलिए हम राजपूत समाज के साथ हैं। ये भी मैंने पकड़ी हुई है। अब कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी चीज का समर्थन या विरोध कर ले तो उसमें कांग्रेस पार्टी का कहां से उस पर सवाल क्यों, वो उनकी निजी राय हो सकती है, उसमें हम क्यों उसमें जवाब दें, हमारी ऐसी राय नहीं है, ना हमारे मैनिफेस्टो में है, ना हमारे यहाँ इस पर कोई चर्चा हुई, ना आगे कोई इसमें चर्चा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इसी को लेकर, मोदी जी को तो क्या है, उनको छोड़ो ना, वो आदमी सुबह से शाम तक झूठ बोलता हुआ घूम रहा है पूरे देश में, कुछ भी बोलता रहा उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कल मोदी जी ग्वालियर आ रहे हैं तो आ रहे हैं तो खैर इतना मुझे नहीं इसकी जानकारी कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ये जरूर मालूम है कि बीजेपी के कई लोग अभी कांग्रेस में आने को आतुर हैं। हमारे यहाँ चर्चा चल रही है, हमारे AICC के जो प्रभारी यहाँ बैठे हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा के कुछ दो वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, तो हम आम सहमति अपनी पार्टी में बना के फिर उनको लेंगे। मंगलसूत्र को बोला, सिंदूर पे जिस दिन मोदी बोलेंगे तो उस दिन उनको भी जवाब देंगे वापस। अब मंगलसूत्र की बात नरेंद्र मोदी करते हैं तो हंसी तो आएगी ना, मंगलसूत्र की कीमत वो क्या जानेंगे। इस देश की महिलाओं को मंगलसूत्र अगर गंवाना पड़ा तो कोविड के दौरान गंवाना पड़ा, जवाब दें, माफी मांगे उन महिलाओं से। जिस तरह से इस देश के मध्यम वर्ग को इन्होंने चोट पहुंचाई नोटबंदी से, कितनी महिलाओं का मंगलसूत्र छीना, जो 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने दोस्तों के कर्जे माफी किए उसमें कितने लोगों के, कितने महिलाओं के मंगलसूत्र आ सकते थे। मंगलसूत्र की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। सर राजपूतों ने भी मोर्चा खोल लिया है, 24 गांव हैं और क्या पूरे, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे प्रदेश में भी, गुजरात में भी और उत्तर प्रदेश में भी और अब मध्य प्रदेश में भी राजपूतों में क्षत्रियों में एक बहुत ज़्यादा रोष है और वो रोष जायज़ है, हम उनके साथ खड़े हैं। किसी का भी ये हक नहीं है, वो भले भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो, कि वो क्षत्राणियों का अपमान करे। जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला जी ने क्षत्रियों का और क्षत्राणियों का अपमान किया, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हम राजपूत समुदाय के साथ खड़े हैं, संवैधानिक रूप से वो अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं, उस विरोध में उनके साथ हैं।